जी जी की है मैम अभी। मैं फिर ना करूँ हाँ जी आप ही ओके, करो नाउ यू तो कैन ठीक है। स्टार्ट बेटा। नाउ हाँ पलक कैन स्टार्ट, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। यस। जिनकी दुआओं का असर सबसे ज्यादा होता है, जिनसे रिश्ता माँ बाप से भी ज्यादा होता है, मम्मी की डांट से जो हमें बचाते हैं, पापा की मार के बाद जो हमें ही समझाते हैं, घर में जिनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है लेकिन हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कुछ ऐसे ही तो होते हैं, वो दादी नानी की लोरी, वो दादू नानू के किस्से, हर बच्चे बचपन के सबसे खूबसूरत हिस्से। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं प्रबंधक मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर अदित गुप्ता, विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मूलराज एवं डॉक्टर रौनिका शर्मा, शिक्षकगण, दादा दादी नाना नानी एवं मेरे सभी प्रिय सहपाठियों, मैं पलक श्रीवास्तव बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ अपने बड़ों का सम्मान करने इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं कि बड़ों की उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और परिवार के सभी सदस्य को एक सूत्र में बांध कर रखती है। आज के इस शुभ दिवस को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कोमल शर्मा मैम, कन्वीनियर को करिकुलर एक्टिविटीज। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन। आज आप सभी का इस अवसर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स भी कहते हैं, पर स्वागत है। इतिहास को देखें तो 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहली बार 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित किया। तभी से ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन वृद्ध लोगों की प्रताड़ना के प्रति जागरूकता की जाती है। समाज में वृद्ध लोगों का अहम स्थान है और उनका समाज में योगदान भी इस दिन के दिन समझा जाता है। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अतिथि गणों का मायर कॉलेज की एक्सटेंशन यूनिट की ओर से बड़े दिल से स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति माय परिवार के लिए बेहद गौरवपूर्ण और सम्मानजनक है। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस मौके को संपूर्णता दी है। हम सभी आपके विनम्र पूरक निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपके आभारी हैं। हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डायरेक्टर मायर एंड प्रिंसिपल मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इस संस्था को ऊंचाइयों तक पहुँचाने और सफलता पूर्वक स्थापित करने के लिए आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप और आपके माता-पिता तथा पूर्वजों के कठोर संघर्ष, प्रयास और मेहनत के बल पर आज हमारी संस्था इस क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट संस्थाओं में एक मानी जाती है। मैं डॉक्टर मूलराज शर्मा, एचओडी पीजी डिपार्टमेंट, और डॉक्टर रोनिका शर्मा, एचओडी यूजी डिपार्टमेंट का भी स्वागत करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमें हर समय ऐसे कार्यक्रम करने में सहायता और सफलता प्रदान होती है। मैं डिप्टी एचओडी डॉक्टर निष्ठा राणा और डॉक्टर मोनिका बजाज का भी स्वागत करती हूँ। हमारे कॉलेज के सभी शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस प्रकार का कार्यक्रम हमारी संस्था में पहली बार आयोजित किया गया है। नहीं तो पहले हम विद्यार्थियों को इस अवसर पर वृद्धाश्रम या गांव ले जाकर कार्यक्रम किया करते थे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। जम्मू प्रांत के होने के कारण अंत में मैं इस कार्यक्रम के अतिथियों का जम्मू की मातृभाषा डोगरी में भी अभिनंदन करना चाहूंगी।
दिल दी गहराइयां कन्ने मैं मायर कॉलेज दी बखिया थोड़ा इस प्रोग्राम च स्वागत करनी आ। तुस अपना टाइम कढ़िए इस प्रोग्राम च शामिल होए ते तुसें सारे साढ़े सारे दा हौसला बधाया, इस करिए इरखे कन्ने थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया। मिकी मेद है तुसें गी साढ़ा एह प्रोग्राम पसंद आग। बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी सोनिका शर्मा, एमएड थर्ड सेमेस्टर की छात्र। नमस्कार, मेरा नाम सोनिका शर्मा है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अपनी कविता को सुनाने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो यू हवा का आना और प्यार से सहलाना, वो यू हवा का आना और प्यार से सहलाना, काश कोई लौटा दे मेरा बचपन का वो जमाना। मेरी कविता का शीर्षक है अब मैं बूढ़ा होने लगा। खोल के मन चाही किताब के पन्ने, खोल के मन चाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। पहले सी फुर्ती नहीं है बदन में, पहले सी फुर्ती नहीं है बदन में, दो कदम चलने से थकने लगा हूँ, दो कदम चलने से थकने लगा हूँ। गिनी हुई सांसें हैं बाकी, एक एक को खींच के लेने लगा। आंखों से कम हो गया है दिखना, कुछ ऊंचा भी सुनने लगा हूँ, कुछ ऊंचा भी सुनने लगा हूँ। भूख नहीं लगती अब उतनी, जिंदा रहने को बस दाने चुगने लगा हूँ। पहले जिन पे गुस्सा आता था अब उनको नजरअंदाज करने लगा हूँ, अब उनको नजरअंदाज करने लगा हूँ। बड़े बड़े बच्चों के आगे, बड़े बड़े बच्चों के आगे अपने ही गुस्से से डरने लगा हूँ। प्यार तो पहले भी करता था सबसे, अब बस जाहिर करने लगा हूँ। वक्त मिले ना मिले कहने का, इसलिए अब सबसे कहने लगा हूँ। शरीर साथ नहीं देता अब मनोबल से उसको ढोने लगा हूँ। पता नहीं लगने देता पर अंदर से तो दुर्बल होने लगा हूँ। उम्र जो ढलने लगी है मेरी, उम्र जो ढलने लगी है मेरी, गलतियां अपनी गिनने लगा हूँ। माफी तो मांग नहीं सकता हूँ पर उन पर थोड़ा पछतावा करने लगा हूँ। सब अपने मेरे पास रहे ऐसी कामना करने लगा हूँ। वक्त अब मेरे पास जो कम है देख देख के सबसे जी भरने लगा हूँ। जाना तो एक दिन सबको है पर बिस्तर पे पड़े रहने से डरने लगा हूँ। चलते चलते चला जाऊं बस यही प्रार्थना करने लगा हूँ। खोल के मन चाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मैं बूढ़ा होने लगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए बड़े बुजुर्गों के चरणों में, जो झुक जाए बड़े बुजुर्गों के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। धन्यवाद। इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पारुल अब्रोल,
बीएड थर्ड सेमेस्टर की छात्र जो कि अपनी दादी जी के साथ आएंगी। पारुल अग्रवाल, बच्चे आप नेक्स्ट बोलिए, तब तक जब तक वो शायद उनको रेडी कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिमरन लोच बीए थर्ड सेमेस्टर से जो कि अपनी दादी जी के साथ आएंगी। सुमध्यनम, मेरा नाम सिमरन है, मैं बीए थर्ड सेमेस्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी दादी से मिलवाने जा रही हूँ। दादी से मिलवाने से पहले मैं उनके लिए दो लाइंस कहना चाहती हूँ। बहुत ताकत होती है उन झुरियों वाले हाथों में, जिंदगी जीने का तजुर्बा मिलता है दादा दादी के बातों में। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं दादी बच्चों के प्यार करती हूँ, बच्चे मेरे से करते हैं, बच्चे मेरे से करते हैं, बच्चों को आगे भी करना चाहिए। मैं चाहती हूँ सभी को प्यार मिलना चाहिए, सभी को प्यार देना चाहिए, सभी प्यार से रहे। आप शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन और दादी जी। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी नेहा डोगरा बीए थर्ड सेमेस्टर से जो कि अपनी नानी जी के साथ आएंगी। नमस्कार, मैं नेहा डोगरा बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्र हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपने अध्यापकगण को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और मुझे अपनी नानी के साथ यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं नानी के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी। सब कहते हैं कि माँ तुम रब हो, फिर तुम तो मेरी माँ की माँ हो, किससे कहानी ननिहाल के, वो बचपन का दुलार तुम ही हो, जिसकी छांव तले फले फूले हम, उस वट वृक्ष का आधार तुम ही हो, सर पर रहता है हम सबके जो सदा, आशीषों वाला वो हाथ तुम ही हो। धन्यवाद। अब मैं आपको अपनी नानी जी से मिलाने जा रही हूँ जो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। मैं दर्शना देवी बोल रही हूँ, तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। तो बात यह है कि पहले का जो समा था बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बच्चे बड़ों का इज्जत मान करते थे, पढ़ाई वगैरह भी अच्छी करते थे, लेकिन घर में सब सुख शांति होती थी, सभी किच्छे होते किच्छे खाना खाते थे। तो बात यह है भाई, अब जो अब का समा है उस वक्त यह था भाई, लड़कियों को आगे नहीं होने देते थे, छोटी छोटी उम्र के उनकी शादियाँ कर देते थे, वो बेचारियाँ चली जाती थी, लेकिन अब नहीं है। अब भी अच्छा समय है, लड़कियों को मौका दिया जाता है, लड़कियाँ कहाँ की कहाँ पहुँच गई हैं, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई कुछ कुछ बनती हैं, तो ये बात है। तो अब जो मौका है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात है भाई, हमने अपनी जो डोगरी भाषा है ना वो भूल गए हैं, बच्चों को कोई पता ही नहीं है भाई डोगरी भाषा क्या होती है। तो ये बात है भाई, उनको मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को कहना डोगरी भाषा का कहना उनको भी बताना चाहिए भाई, ये हमारी डोगरी भाषा है, इसको हमें याद रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो आस्ते आस्ते बस उनको भी पता चलेगा, बच्चों को भी। तो आपने भाई, आपकी बड़ा बड़ा धन्यवाद है, आपने हमें मौका दिया,
इधर लाया हमको, हमने भी आपको बताया, तो धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद नानी जी और नेहा। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी सुदेश कुमारी एमएड थर्ड सेमेस्टर से, जो कि अपनी मदर इन लॉ के साथ आएंगी। नमस्कार, मेरा नाम सुदेश कुमारी है, मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बुजुर्गों के सम्मान में मनाए जाने वाले इस दिवस पर मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ हैं, जो कि आपको श्री कृष्ण का भजन सुनाएंगी। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम आशा रानी है, मैं आप सभी को एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ कृष्ण का। जय श्री कृष्ण। तेरा प्यार खंडे दियो तार, बना तेरा प्यार खंडे दियो तार, ओए तेरे नाल मिलना सोखा नहीं हो, तेरे नाल मिलना सोखा, ओए जो नंगी तलवार। रब्बा ते प्यार खंडे दियो तार, ए मर मर के मीरा न पाया, मर मर के मीरा न पाया, जहर पियाला मुख न ललाए, जहर पियाला मुख न ललाए, जदो मीरा पीन लगी है, जदो मीरा पीन लगी है, पी गए कृष्ण मुरार। रब्बा तेरा प्यार खंडे दियो तार, मोहना तेरा प्यार खंडे दियो तार, ए परी सभा विच द्रोह तिरो, ए परी सभा विच द्रोह तिरो, मेरे वंसरी वाले आजा मेरे वंसरी, ये जानती लाज बता ले प्यारे, जान लाज बता ले प्यार, नंगे पैरे मुएने आए, नंगे पैरे मुएन, ओ चीर बड़ा लगिया। रब्बा तेरा प्यार खंडे दी तार, मोइना तेरा प्यार खंडे दी तार, ये पिता ने भला जगी बड़ा सताया, पिता ने भला जगी बड़ा सताया, तते खंबे दे नाल लाया, तते खंबे दे नाल ला, जदों बच्चा ढोल गया, जदों बच्चा ढोल गया, ओए लिया नस उतार। रब्बा तेरा प्यार खंडे दियो तार, ओए मैना तेरा प्यार खंडे दियो तार। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका भजन पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुदेश और आंटी जी, आपका भजन हम सबको बहुत पसंद आया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राधिका शर्मा, जो कि अपने पापा के साथ आएंगी। उनकी गोद में बैठकर दुनिया भूल जाती थी, उनकी ही उंगली पकड़ के तो मैं चल पाती थी, अपनी सारी हसरतें उन्हीं से पूरी करवाती थी। कभी कभी वो मेरे लिए मेरा मन पसंदीदा आटे का हलवा भी बनाती थी। पर आज उनके ना होने पर उनकी याद है बहुत सताती, वो थी मेरी भोली सी प्यारी सी दादी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, एचओडी मैम, ऑल द टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे फादर की ओर से। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आज के दिन पे कि मेरे घर में सबसे बड़ी मेरी दादी ही थी, जो 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, और वो बहुत अच्छी पोइटिस थी। उन्होंने डोगरी में बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, उनकी बुक भी पब्लिश हुई थी 2 साल पहले। तो उनकी मैं एक कविता उनकी याद में आज आप सबको सुनाना चाहूंगी, जो कि उन्होंने गांधी जी पर लिखी थी। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी का बर्थडे है कल, तो मैं उनकी छोटी सी कविता है, एक डोगरी में लिखी है उन्होंने, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कविता का शीर्षक है श्रद्धांजलि। श्री परम पवित्र बापू जी दे अजे भी सब गीत गाते, प्रेम भाव ते श्रद्धा कन्ने अजे भी शीश नवाते,
मान और बापू जी है जिन्हें अपना आप मिटाया, दया दे सागर अंतर्यामी ने ए सबक सारे ही पढ़ाया। भेद भाव सब छड़ी उड़ो, बापू रे गलांदे, अपने हथे चरखा कत्या सबने की रे समझांदे। ऊंच नीच दा भरम मिटाओ, आखर तक रे सुनांदे, मिठे मिठे बोल है उंदे सबने दे मन पांदे। चन ते सूरज कन्ने कन्ने ना उंदा भी रोशन, प्रेम भाव ते नम्रता आले उंदे हे दो लोचन। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ओ सब दे भेत मिटांदे, एक अखी दे तारे है सब बापू जी गी प्यारे। उंदे आखे दे शब्दें दे लख लख मतलब पारे, एक सोटा ते एक लंगोटा खदड़ तो ती पांदे। श्री परम पवित्र बापू जी दे अजे भी सब गीत गांदे, प्रेम भाव ते श्रद्धा कन्ने अजे भी शीश नवांदे। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो उन्होंने गांधी जी पे लिखी थी, और ये उनकी बुक थी जो 2 साल पहले पब्लिश हुई थी, जिसमें सारे की सारी, ये पीछे उनका फोटो है, तो उनकी जो यादें हैं वो हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे, बहुत प्यारी थी वो। तो लेकिन आज आपसे मैं रूबरू कराऊंगी मेरे फादर को, और अभी हमारे घर में सबसे बड़े वही हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैंने उनके लिए कुछ 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। याद नहीं है पर जब से होश संभाला है, एक वही अकेले थे जिन्होंने मुझे पाला है। माँ की कभी कमी महसूस होने ना दी, मेरे डैडी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। डर की वजह से उनके सामने कभी कुछ ना बोल पाती थी, और चुप रहने की वजह से 4 डांट और खाती थी। जहां बात बड़े भाई बहन की डांट भी ना समझा पाती थी, वहां उनकी आंखें ही काम कर जाती थी। जब भी वह आर्मी से छुट्टी आते, हम सबके लिए कुछ ना कुछ लाते थे, पर खुद अपने ऊपर कभी 100 रुपए भी खर्च ना कर पाते थे। हमारी आरजू पूरी कर दे तो भगवान भी कुछ उम्मीद तो रखता है, शायद इसीलिए हर पिता भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखता है। धन्यवाद। मेरी तरफ से जो मुझे अपने दादी के लिए बोलना था वो इतना ही था, और अपने फादर के लिए मैंने ये कुछ लाइन्स जो थी वो कल लिखी थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होंगी। अब मेरे फादर जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए शेयर करेंगे, और जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी। सो हे इज माय फादर। राम राम, जय हिंद। राम राम जी। मैं सुबेदार सुरेश चंद्र 34 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूं, और फौज में रहते हुए डिसिप्लिन मेरा जो छोटा सा मैसेज है वो डिसिप्लिन ही है, क्योंकि फौज में एक आले दर्जे का डिसिप्लिन हमने देखा और फॉलो किया है, और उसी को देखते हुए मैं ये बताना भी चाहता हूं कि डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक का जो भी कार्य करते हैं वो डिसिप्लिन के दायरे के अंदर ही करते हैं, और इसके साथ में एक जुड़ा हुआ होता है टाइम। डिसिप्लिन और टाइम, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, और तभी हमारे जो हैं कार्य सिद्ध होते हैं। मैं बच्चों को यही बता सकता हूं कि डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज है। हम कितना भी अच्छा कार्य करें, कितना भी अच्छा नाम कमावें, अपने देश के लिए अच्छा काम करें, एक छोटी सी गलती अगर कर जाएंगे तो वो हमारा सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और हमें आने के बाद, रिटायर होने के बाद डिसिप्लिन सिविल में भी रखना पड़ता है, डिसिप्लिन घर में भी रखना पड़ता है, डिसिप्लिन पूरी सोसाइटी के बीच में रहते हुए भी रखना पड़ता है। अलग अलग है,
घर में जो है अपने बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, बूढ़ों के साथ में, सबके साथ में, सबको लेकर चलना है और डिसिप्लिन भी कायम रखना है और थोड़ा सा अच्छे ढंग के साथ में उनको रहना पड़ता है। बाकी सिविल के साथ में जो हमारा डिसिप्लिन आता है वो ये है कि अगर किसी के घर में कोई दुख तकलीफ है या कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है, तो उसमें शामिल होना है और वो हमने निभाना है अच्छी तरह से। ये तो हुआ डिसिप्लिन। बाकी रही बात हमारी जिंदगी की कि जो हमने आज तक सीखा है फौज में रहते हुए, तो वो सिविल में इतना कम कर सकते हैं, पर फिर भी हमने ये करना है कि भगवान का भजन करते हुए अपने आप को जानना है। अपने आप को हमने जानना है। वो हमने कैसे जानना है? वो हमने खुद को खुद से ही जानना है। हम किसी चेले, चिमटे, साधु, संतों, इनके चक्कर के बीच में पड़ेंगे तो हम अपने आप को कभी नहीं जान सकते हैं। अपने आप को जानना है। थोड़ा समय अपने लिए देना है कि थोड़ी देर के लिए बैठें, उसके साथ में मेडिटेशन करें और उसको जानें, उसको जानें कि वो कौन है, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ में है, जो हर समय हमें सब कुछ दे रहा है, सब कुछ चल रहा है उसी की मर्जी के साथ में। और उसे हमने आज तक इतनी उम्र हो गई हमने जाना ही नहीं। हम पहाड़ों में, हम जंगलों में, हम हर जगह जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमारे ही पास, हमारे ही लिए, हमारा ही है, लेकिन हम उसे जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हम उसके पास में बैठना ही नहीं चाहते हैं। ये हुआ। और दूसरी चीज, मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम वृद्ध आदमी हैं, बाकी वृद्ध जो जनता है, बच्चों को ये चाहिए अपने माता पिता की इज्जत करें, माता पिता को संभाल के रखें, क्योंकि उन्होंने आपके छोटे छोटे जब थे आप उन्होंने संभाला, अब उनको आप कहीं वृद्ध आश्रम में ना भेज दें तो उससे जो है उससे बड़ा पाप कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो है ना, ये चीज जरूर आप सब बच्चों को पता होना चाहिए और अपनी लाइफ के बीच में, अपनी जिंदगी के बीच में ये धारणा है कि जिन्होंने हमें संभाला है आखिर में हम उनको संभालें, क्योंकि वो उस वक्त संभालने के काबिल नहीं होते हैं। जय हिंद। मेरी और मेरे फादर की तरफ से हम अपने मायर कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें भी, और मेरे फादर को भी मौका मिला अपने एक्सपीरियंसेस, अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राधिका एंड अंकल जी। थैंक यू अंकल, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करी, हमें जिंदगी जीने का तजुर्बा बताया, धन्यवाद उसके लिए। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी पारुल अब्रोल बीएड थर्ड सेमेस्टर से, जो कि अपनी दादी जी के साथ आएंगी। नमस्कार, मैं पारुल अब्रोल बीएड थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, तो इस अवसर पर मैं बुजुर्गों को सम्मान देते हुए एक शायरी पेश करना चाहूंगी। फरकता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, फरकता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। वह जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, वह जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ऐ दोस्तों, हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ऐ दोस्तों, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया। हम आज उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश हैं, हम आज उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश हैं, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया। तो ये
आज मेरी तरफ से बुजुर्गों के सम्मान में एक शायरी थी, तो अब मेरी जिंदगी में जो मेरी बुजुर्ग है, हमारे घर में सबसे जो बड़ी है, वो आज आपके सामने है, मेरी दादी जी। नमस्ते। मैं अपने स्कूल टाइम का एक डोगरी गाना बोलना चाहूंगी। कल मिंजो स्कूल गी जाना अम्मा जी, जाना अम्मा जी, मेरी अनपढ़ जिंदड़ी ओ, मेरी अनपढ़ जिंदड़ी ओ, मिंजो किया स्कूल गी भेजा कुड़ी है, भेजा कुड़ी है, असी गरीब बचारे, असी गरीब बचारे, स्कूलां दे मास्टर कहंदे अम्मा जी, कहंदे अम्मा जी, फीस माफ गरीबां दी, फीस माफ गरीबां दी, प्यादा उठी रुटियां पकाया कुड़ी है, पकाया कुड़ी है, तिंजो स्कूल गी जाना, तिंजो स्कूल गी जाना, अज मिंजो खुशियां होइया अम्मा जी, होइया अम्मा जी, मिंजो मिस बन जाना, मिंजो मिस बन जाना। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैप्पी इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे सभी फादर्स को, सभी एल्डर्स को मेरी तरफ से। थैंक यू पारुल और दादी जी, आपका गाना बहुत अच्छा था। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रियंका देवी को एमए थर्ड सेमेस्टर से, जो कि अपने दादाजी के साथ आएंगी। नमस्कार, मैं प्रियंका देवी एमए सेमेस्टर थर्ड की छात्र हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस मना रहे हैं और आज मेरे साथ मेरे दादाजी हैं, जो आपको अपने बारे में बताएंगे। उनसे बात करवाने से पहले मैं उनके लिए दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। बुजुर्गों के बिना कहाँ किसी का घर बड़ा पूरा होता है, बुजुर्गों के बिना कहाँ किसी का घर बड़ा पूरा होता है, बुजुर्ग ना हो तो जिंदगी का हर रंग अधूरा होता है। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मेरी कोई 80 साल हो गई। मांगने वाला लोग दे चला दे 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 दे। मैं 15-14 साल उम्र विच जिम्मेदारी लगा हां करन, मैं खेतीबाड़ी करन लगेता। इस बेले उस बेले कोला ए बेला ए जेड़ा ए टाइम ज्यादा बड़ा फर्स्ट क्लास थी टाइम ज्यादा। अज का टाइम है जेड़ा बड़ा हर आदमी का बुढ़े का हर आदमी का दिन जेड़ा बड़ा अच्छा बना दा। सब तो बड़ी गल दिया कुड़िया ना फिर भी बड़ी अगे जा रही भगवान अगे गए नहीं जाएगा बड़ी अच्छी जगह पर पुजन गए। अज बड़ी इज्जत कर दिया ना, अज मेरा परिवार ठीक है, बहुत ज्यादा इज्जत करता हर बच्चे ने जेडे मेरे पुत्र पोत्रियां पोत्रे दोत्रे बड़े प्रेम करने सेवा करते हैं। अस एक लखना के भगवान अगे भी इनकी ऐसी है अगल शिक्षा शिक्षा लभ है जेडे अगे भी इस तरीके कने चलते रह। ठीक है, मेरी तरफ सभी सभी नमस्कार है। थैंक यू प्रियंका एंड दादाजी। आज के इस शुभ अवसर की अंतिम श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुमन देवी मैम इंचार्ज एक्सटेंशन यूनिट की, कि वो आए और सभी सहभागियों का धन्यवाद करें। खुश रहो। बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी,
बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कामते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन देवी, एक्सटेंशन यूनिट की इंचार्ज, आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए अतिथिगण, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज इस दिवस पर हमें अपने विचारों से भी मुक्त कर दिया। मेरा अगला धन्यवाद हमारे माननीय महाविद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर अदित गुप्ता जी का करती हूँ, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में अपना समर्थन दिया। धन्यवाद सर। मेरा अगला धन्यवाद हमारे महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मूलराज शर्मा तथा डॉक्टर रोनिका शर्मा, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। मेरा अगला धन्यवाद हमारे महाविद्यालय के उप विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निष्ठा राणा तथा डॉक्टर मोनिका बजाज, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो पाया। धन्यवाद मैम। मेरा अगला धन्यवाद हमारे शिक्षकगण को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ाया। मेरा आखिरी धन्यवाद हमारे छात्र छात्राओं को, जिन्होंने बड़ी सहनशीलता से इस कार्यक्रम को सुना। दिल तो है कि महफिल यही रुक जाए, दिल तो है कि महफिल यही रुक जाए, लेकिन वक्त के आगे किसका बस चलता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जिस काम में बुजुर्गों का आशीष ना हो, जिस काम में बुजुर्गों का आशीष ना हो, उस काम का कभी फल नहीं होता, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं होता, धन्यवाद। और आज मैं डोगरी विच भी बोलनी हाँ कि साढ़े जेडे बड़े बुजुर्ग इस मौके पर अपना इन्ना कीमती समय कढ़ी आए, उनका मैं तहे दिल कन्नै बड़ा गै धन्नवाद करनी हाँ कि तुस बड़े खुश रहो, थोड़ी लंबी लंबी आयु होए, और तुस अगले साल दोबारा अपने इस प्रोग्राम च बुलाचे, और अच्छी और भजन गाने, अपने जो भी लाइफ एक्सपीरियंस जो भी थोड़ा है सानू सुनाओ। तो थोड़ा सारे बड़िया का दादा दादी नानू नानी पापा जो भी आए उनका सारिया का मैं बड़ा शुक्र करनी अपने महारी कॉलेज तरफा थोड़ा धन्यवाद करनी हूं। शुक्रिया। धन्यवाद मैम। आज के प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और बड़ों का साया हम पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। रोनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू कोमल। मैं यही कहना चाहूंगी, इट इज इंडीड अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली माय स्टूडेंट्स हु गेव देयर कंसेंट एंड हु इनवाइटेड देयर ग्रैंडपेरेंट्स आल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इट इज इंडीड अ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम, because this is for the first time that we are directly interacting with the grand parents, and really the way they have shown their love and affection to all of us, it is indeed a great blessing for all of us. Thank you so much. Moolraj sir, aap do shabd bolenge kuch? मैडम वैसे तो एवरीथिंग हैज बीन डन। कुछ ग्रैंडपेरेंट्स के लिए जो आए हैं बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है सर, उसकी एनकरेजमेंट और मोटिवेशन के लिए कुछ। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे तो काफी अच्छा लगा कि इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। आपके यूनिट को पहले मुबारकबाद है, क्योंकि आपके यूनिट ने काफी मेहनत की और फिर इस प्रोग्राम को किया, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जैसे इस वक्त मेरे भी पेरेंट्स और ये सारे इसको प्रोग्राम को देख रहे थे, तो आई थिंक कि बाकी स्टूडेंट के भी पेरेंट्स और जो भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वगैरह होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो वॉच कर रहे होंगे इसको, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है ये बच्चों के लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो अतिथिगण थे, दादा दादी नाना नानी या जो स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। They have done good and इस तरह से activities अच्छी भी रहती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी activities जो हैं वो आप लोग
ऑर्गेनाइज करते हैं और इन फ्यूचर ये भी है और वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम भी ये बन जाते हैं। सो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं भी बीइंग कन्वीनर को करिकुलर एक्टिविटीज मिसेस कोमल शर्मा आज के अतिथि गण जो आए हैं हमारे नाना नानी बच्चों के और पिताजी आए हैं और जो भी आए हैं उन सबको मैं उनका कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उससे हमारे बच्चों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है जो उन्होंने बोला है, तो इसके लिए आपका तो तहे दिल से धन्यवाद। और जिन बच्चों ने इनिशिएटिव लिया और इतना इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का किया, और पलक का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंपेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू पलक, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बड़ी अच्छी कंपेयरिंग की। थैंक यू बच्चे। थैंक यू मैम। कोमल मैम का भी धन्यवाद करती हूँ मैं एक्सटेंशन यूनिट के इंचार्ज होने के नाते, कि उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, बड़ी हेल्प की, तो हमारा जो ये प्रोग्राम था वो अच्छा हो गया। थैंक यू कोमल मैम। ओके रोनिका मैम, फिर हाँ जी, ये जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर ले, और आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू लीव दिस प्लेटफॉर्म नाउ सिंस वी आर ओवर विद द प्रोग्राम। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। थैंक यू सो मच।